हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम आज यूपी पुलिस क्वेश्चन पे आज लेकर आए हैं, जो लेटेस्ट क्वेश्चन है जीके का। पहला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने राष्ट्रीय आय के अनुसार अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा? तो क्वेश्चन आंसर है चार भागों में। आर्थिक संगठन की सबसे पुरानी पद्धति क्या है? तो यह है पूंजीवादी। तीसरा क्वेश्चन है, वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। चौथा क्वेश्चन है हमारा, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो इनका नाम था नरेंद्र दत्त। पांचवा क्वेश्चन हमारा है, एस एक्स क्या है? तो उत्तर है भारत की तीसरी ऑनलाइन ट्रेडिंग मार्केट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है, 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा गया है? तो छठी शताब्दी का दर्पण कहे जाने वाले हैं किताब उल हिंद। सातवां नंबर क्वेश्चन है, ग्रेमिनी किससे संबंधित है? तो उत्तर है अजान वाले पौधे से। आठवां नंबर क्वेश्चन है, उर्वरक से संबंधित कौन सी क्रांति है? तो उत्तर है भूरी क्रांति से। नौवां नंबर क्वेश्चन है, शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? उत्तर है उत्तर प्रदेश। दस नंबर क्वेश्चन है, भारत और यूरोप के बीच सबमरीन टेलीग्राफ प्रणाली अभियान कब शुरू किया गया था? उत्तर 1880 में। अलमट्टी बांध किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर कर्नाटक। 12 नंबर क्वेश्चन है, हरिकेली नाटक किसने लिखा था? तो उत्तर है चौहान शासक विग्रहराज बिसलदेव ने। 13 नंबर क्वेश्चन है, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य किसका था? उत्तर सातवाहनों का। भारत में कर्क रेखा किस किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो उत्तर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहते हैं? तो उत्तर है इंदिरा पॉइंट। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उत्तर में कौन सा देश है? तो उत्तर है चीन, नेपाल, भूटान। लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर है अरब सागर में। 18 नंबर क्वेश्चन है, विश्व क्षेत्रफल में भारत का क्षेत्रफल कितना है? उत्तर है 2.42%। 19 नंबर क्वेश्चन है, किसी तत्व का रासायनिक गुण किन पर निर्भर रहता है? उत्तर परमाणु संख्या पर। 20 नंबर क्वेश्चन है, पारसिक इकाई क्या है? पारसिक इकाई दूरी है। 21 नंबर क्वेश्चन है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या कहलाती है? तो उत्तर है प्लाज्मा। ज्योति प्रभाव का मात्रक क्या है? तो उत्तर है कैंडल। क्या अमरूद तत्व हैं?
उत्तर है नहीं। भारत में कैबिनेट मिशन का आगमन किस वर्ष हुआ था? 1946 ईस्वी में। दूसरा, गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? उत्तर है 1931 ईस्वी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1930 ईस्वी में। साइमन कमीशन की नखी नियुक्ति किस वर्ष हुआ था? उत्तर है 1927 ईस्वी में। 28 नंबर क्वेश्चन है, होल रूल लीग का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो उत्तर है 1916 ईस्वी में। 29 नंबर क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो उत्तर है 1906 ईस्वी। 30 नंबर क्वेश्चन, कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक जूल होता है। 31 नंबर क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 19 अगस्त 1946 को हुआ था। 32 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अमेरिका में कितने दिन तक रहे थे? उत्तर है 21 वर्ष। 33 नंबर क्वेश्चन, सिखों का अंतिम गुरु कौन था? सिखों का अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। 34 नंबर क्वेश्चन है, प्लासी से युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? उत्तर है हुमायूं। 35 नंबर क्वेश्चन है, घाघरा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? उत्तर है 1529 ईस्वी में। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरुद्ध किसने किया था? तो ये हो गया मराठों ने। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? ये थे वेनेगल नरसिंह राव। भारतीय भारतीय संविधान बनाने में कितना समय लगा था? तो ये लगा था समय 2 साल 11 माह। धन्यवाद।